मिर्जापुर लोकसभा के एनडीए की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के नामांकन सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, माननीय मंत्री जयशंकर मिश्रा जी, आदरणीय राजकुमार पाल जी, आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी, आदरणीय आशीष पटेल जी, आदरणीय रत्नाकर मिश्रा जी, आदरणीय अनुराग सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी, आदरणीय रमा शंकर पटेल जी, आदरणीय रिंकी कोल जी, आदरणीय पकौड़ी लाल कोल जी, आदरणीय श्याम नारायण सिंह जी, आदरणीय सुष्मिता मौर्य जी, आदरणीय प्रेम गौर्ग जी, आदरणीय रामलोकन बिंद जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सामने बैठे भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, बहुत देर से सब आप इकट्ठा है, नामांकन का भी समय हो रहा है। मुख्य दो बिंदुओं पर आपके समक्ष में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एनडीए की सरकार ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास करने का काम मिर्जापुर सहित पूरे देश और प्रदेश में करने का काम किया है। इधर जो बीच में अच्छी गठबंधन चुनाव मैदान में है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी अखिलेश की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी पहले भी आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं इधर कुछ दिनों से गड़बड़ चल रही है। पिछली बार जब गठबंधन पूरी तरह से चुनाव में परास्त हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो एक दूसरे के मध्य पर तोहमत लगा रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि आपकी वजह से विपक्षी गठबंधन को जीत मिली है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को हार मिली। इधर कल से मैं देख रहा हूं, प्रथम चरण का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक भी ज्वाइंट रैली नहीं हो पाई। कल लखनऊ में पहले से प्रस्तावित थी रैली राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की, लेकिन रैली संयुक्त रूप से नहीं हो पाई, आज भी कहीं नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपनी हार को सुनिश्चित मान करके एक दूसरे पर तोहमत मढ़ने के लिए रास्ता निकालने का काम कल से ही शुरू कर दिए। मिर्जापुर की सड़कों पर हम सुबह से देख रहे जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ भले ही कितनी गर्मी हो लेकिन मिर्जापुर के लोगों में कलेजे में ठंडक है। ये ठंडक इसलिए है, अयोध्या में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बन चुका है, धारा 370 समाप्त हो चुकी है, हर गरीब को पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, निःशुल्क इलाज 5 लाख तक का मिला है, अब तो 70 साल तक के सभी बुजुर्गों को मोदी जी ने शामिल किया है, किसान सम्मान निधि जा रही है, लोगों में उत्साह का संचार है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की। मैं मिर्जापुर के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारा चुनाव निशान कंप्लेट है, कंप्लेट पर मोहर लगाइए। और कंप्लेट तो ऐसा चुनाव चिन्ह है, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि अपना दल की बहन अनुप्रिया पटेल जी ने कंप्लेट चुनाव निशान क्यों लिया। सुबह घर में उठो तो चाय से शुरुआत होती है, तो कंप्लेट याद आता है, और घर में कोई मेहमान आ जाए, जीजा फूफा आ जाए, चाहे साले साहब आ जाए, पड़ोसी मित्र आ जाए, बगैर चाय पिए जाने वाले नहीं है, इसलिए कंप्लेट हमेशा हृदय से लगा करके रखिए। चाय की दुकान पर जाइए, पड़ोस में जाइए, घर में जाइए, बाहर जाइए, कंप्लेट हमेशा रहेगा। और चाय की चुस्कियों के बीच मिर्जापुर से हमारी बहन अनुप्रिया पटेल को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। अनुप्रिया जी की जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अनुप्रिया जी की जीत उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी जी, अनुप्रिया जी के भारतीय जनता पार्टी की है, अनुप्रिया जी की जीत हमारे समाज के अति प्रकाश साहब जी की है, अनुप्रिया जी की जीत हमारे संजय दास जी की है, हम सब बाहर मिल करके उत्तर प्रदेश की ऐसी कैसी लोग साथी लोग चिंतन बहुमत के साथ माननीय मोदी के करे तो कमल का हार देगा। अनुप्रिया जी का जो कमेंट है ये मेयर के रूप में काम करेगा, गले अपने है, एक ज्ञान पाई है तो कंप्लेट मेयर की मोदी के गले में चलेगा। कि मैं कहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के भारत माता के समय आ गया माननीय मुख्य अतिथि जी का संबोधन सुनने का। मैं श्रद्धा पूर्वक अपने यशस्वी प्रदेश से आदरणीय भूपेंद्र सिंह साहब को लगा हूँ, आइए हम सभी का मार्गदर्शन।
एनडीपी प्रत्याशी आदरणीय प्रणव पटेल जी के इस नामांकन में उपस्थित हमारे मंचाधीन सभी एनडीए के पदाधिकारी और विधानसभा में आए लोकसभा क्षेत्र से सम्मानित सभी हमारे गठबंधन के समर्थक भाई बहनों, जैसा कि आपको जानकारी है 2024 लोकसभा चुनाव अंतिम अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। देश भर में 7 चरण चुनाव होना, पहले दूसरे तीसरे अगले चरण का चुनाव संपन्न होने की आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ मेरे आपको अंतिम चरण पहले को हमें मतदान करना, भाई बहनों हमने रस पसंद लेकर रोका, पूरे रस का रिपोर्ट कार्ड हमारी बहन भारत सरकार की प्रयासी ने आप लोगों के रखा है और ये हमारे पार्टी का हमारे गठबंधन के लोगों का ही दम है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के कामकाज के लिहाज का तोड़ लेकर आप देश प्रदेश के प्रजापुर महानता की भक्तों का है। भाई बहनों आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार बदला हुआ और देश दुनिया के सामने, उत्तर प्रदेश एक बीमार राज्य के रूप में पहचान थी उत्तर प्रदेश, लेकिन पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार है उत्तर प्रदेश एक विकृत राज्य के रूप में सामने आया और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आज हमारे आपके सामने है। और निश्चित रूप से 10 वर्षों में जो मोदी सरकार अनुरिया जी के इस बढ़िया की सकता है ये निरंतर है, इस प्रकार का सरकार हम लोग मिलकर लेना, मेरा सभी लोग निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर लगातार जी के कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी है, हमारे गठबंधन दल के सभी पदाधिकारी समय लोग मंच पर ही है, सभी लोग सभा स्थल पर उपस्थित, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग घर घर आए और घर जाकर हम बहन अनुप्रिया पटेल का निशान लेकर आए, प्रधानमंत्री के बिल लेकर आए, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल लेकर आए और गुजरात की महानता से आग्रह को मांग कर रहे हैं और इस संघ के साथ निश्चित रूप से अगर काम हम लोग कर लेंगे तो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को लोग पूरा करेंगे और मिर्जापुर की प्रचलित उस भूमिका के साथ आप कैसे के साथ संसद में रहेगा। निश्चित रूप से आपसे आग्रह करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी किसान पार्टी अपना और हमारे पार्टी राजद दल के हम साथी मिलकर घर जाकर और मेरी कल हमारा निशन है कब लेट हाउस घर घर पहुंचा घर भी पहुंचा ही है घर प्रधानमंत्री जी का हमें अपील प्रधानमंत्री का वो पहुंचाना और उसका हम लोग अपने काम का लेकर जो कार्यकर्ता के इसमें जाएंगे टकर जाएंगे। मुझे विश्वास है 4 तारीख को कामी होगी तुम्हारी बहन या पृथ्वी वासी जय मधु जीत कर सदन हमारे पुलिस करेगी और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि क्या पुरके काम के लिए जो काम सरकार ने किए भाई बहनों अपने हम सारे जीवन में और लंबे समय तक दूसरे देश में प्रदेश में राज का और बहुत समस्या है हमारी सरकार हमारे सभी लोग गठबंधन के सहयोगी धीरे धीरे उस समस्याओं के आगे बढ़ रहे और आने वाले के साथ क्या प्रक्रिय होंगे और मिर्जापुर की श्रेणी के लिए संपर्कता के लिए हम सब लोग मिलकर ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। हम लोग बड़ा मान प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाना के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं मनी समझ अधिकारियों का और सरकार उपस्थित सभी में साथी कृतज्ञता प्रकट हुए संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। एक बार हम लोग प्रधानमंत्री नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है उसे पूरा करेंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हम मिलकर उसके साथ खड़े होंगे ऐसा मेरा आप सबको निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना देते हुए प्रभारी के साथ